हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग अपना सिक्स प्रोजेक्ट करेंगे जिसका नाम है इंटरेक्टिव एलईडी चेस इफेक्ट। ये बेसिकली हमारा फिफ्थ प्रोजेक्ट का ही एडवांस वर्जन है, इसमें बस थोड़े से चेंजेज आएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो पार्ट्स की बात करते हैं कि हमें कौन से पार्ट्स की जरूरत है। तो पार्ट्स हमें कंपोनेंट्स में सारे कंपोनेंट्स सेम है जो कि हमने पिछले प्रोजेक्ट में यूज किया था। बस एक एडिशनल कंपोनेंट ये है हमारा 4.7 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप 10 किलो ओम का भी पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इनकार्ट का किट खरीदा है तो आपको उसमें 4.7 किलो ओम और 10 किलो ओम दोनों का पोटेंशियोमीटर अवेलेबल है। आप उनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं सर्किट को। सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये पार्ट है ये एकदम एग्जैक्ट सेम है हमारा फिफ्थ प्रोजेक्ट का सर्किट से। आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिजिटल पिन है उसका भी सीक्वेंस सेम है, सारा सर्किट कनेक्शन भी सेम है। बस जो एडिशनल कनेक्शन है वो बस पोटेंशियोमीटर का है। तो पोटेंशियोमीटर में आप देख सकते हैं कि जो दो एंड लेग्स हैं उसमें से एक एंड लेग हमारा ग्राउंड को कनेक्ट हुआ है और दूसरा एंड लेग जो यहाँ पे ये रेड कलर से डिनोट किया गया है वो लेग हमारा 5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट हुआ है। और जो मिडिल लेग है वो हमारा एनालॉग पिन नंबर 2 से कनेक्ट हुआ है इनपुट लेने के लिए। तो चलिए जल्दी से हम लोग अपना सर्किट बना लेते हैं ताकि फिर हम अपना कोड अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने अपना सर्किट तैयार कर लिया है। आप ये जो सारे कनेक्शंस थे ये प्रीवियस कनेक्शंस की तरह ही थे। जो एडिशनल कनेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पोटेंशियोमीटर है जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जो एंड लेग है हमारा एंड लेग है उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है और जो दूसरा एंड लेग है उसको सबसे पहले तो हमने ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट किया, फिर ब्रेडबोर्ड को से जो है हम जम्पर वायर के थ्रू इसको 5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिए आर्डिनो से। फिर जो हमारा मिडिल लेग है उसको भी हमने ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट किया और उसके बाद हमने जम्पर वायर के थ्रू फिर उसे एनालॉग पिन नंबर 2 से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जिससे कि हम उसका इनपुट ले सकें। अब आगे बढ़ते हैं कोड की ओर। सबसे पहले कोड को समझते हैं और फिर कोड को आर्डिनो आईडीई के थ्रू हम अपलोड कर देंगे आर्डिनो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा कोड है वो एग्जैक्ट सेम है पिछले प्रोजेक्ट की कोड से। सारे इंस्ट्रक्शन सेम है, जो एडिशनल इंस्ट्रक्शन है सिर्फ उसकी बात करेंगे अभी। तो जो हमारा एडिशनल इंस्ट्रक्शन है उसमें हमने एक पॉट पिन वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर टाइप का जिसमें हमने 2 वैल्यू स्टोर किया है। एक्चुअली ये हमारा एनालॉग पिन नंबर है जो हमारा पोटेंशियोमीटर के थ्रू इनपुट आ रहा है वो एनालॉग पिन नंबर 2 में आ रहा है तो हम वहाँ पे अपना इनपुट रीड करेंगे, इसलिए हमने पॉट पिन का वैल्यू 2 पहले से सेव कर लिया ताकि हम पोटेंशियोमीटर का इनपुट रीड कर सकें। और जब आप लूप फंक्शन में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एडिशनल इंस्ट्रक्शन है, लेट डिले इज इक्वल टू एनालॉग रीड ऑफ पॉट पिन। यहाँ पे बेसिकली लेट डिले में हमारा जो है लेट डिले वेरिएबल में हमारा पॉट पिन में जो इनपुट आया है एनालॉग इनपुट आया है उसको हम एनालॉग रीड फंक्शन के थ्रू रीड करते हैं और लेट डिले में स्टोर करते हैं। और उसके बाद जो बेसिक हमारा पिछले प्रोजेक्ट में जैसे चलता था कोड कि हम एग्जीक्यूशन टाइम चेक करते थे चेंज एलईडी का और चेंज एलईडी फंक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम हम चेक करके उसको कंपेयर करते थे एलईडी डिले के वैल्यू से। अगर वो कम होता था उससे लेस होता था तो हम इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते थे। तो ये था हमारा कोड। अब हम इस कोड को टाइप करेंगे अपने आर्डिनो आईडीई में। गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कोड टाइप कर लिया है और आई होप कि आपने भी टाइप कर लिया होगा। इसको अपलोड करने से पहले वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा कोड वेरीफाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो वेरीफाई हो चुका है और इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। अब हम इस कोड को अपलोड करेंगे। अपलोड करने से पहले आप अपने आर्डिनो को पीसी से कनेक्ट कर ले। पीसी से कनेक्ट करने के बाद एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आप अपना बोर्ड और पोर्ट सेलेक्ट करना ना भूलें। बोर्ड और पोर्ट जरूर सेलेक्ट कर लें। और अब हम कोड को अपलोड करेंगे। हमारा कोड अपलोड हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पिछले प्रोजेक्ट में जैसा इफेक्ट आता था वैसा ही इफेक्ट इस एलईडी के थ्रू आ रहा है। लेकिन पिछले प्रोजेक्ट में जो हम डिले रेट था वो कोड के थ्रू चेंज करते थे, वापस से हमको कोड अपलोड करना पड़ता था।
तो बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको एग्जीबिशन के टाइम या फिर उसको कहीं प्रेजेंट करने के वक्त आप हमेशा कोड चेंज नहीं कर सकते, उसको अपलोड नहीं कर सकते, तो उसको हम मैन्युअली, जब आपका आर्डिनो जो है एक्सटर्नली पावर्ड है बैटरी के थ्रू और आपके पास पीसी नहीं है, तो आप इसके डिले रेट को चेंज करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हमने पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है। आइए देखते हैं उसका वैल्यू कैसे चेंज होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया वाइपर को, इसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये स्पीड इंक्रीज हो रहा है, जो इफेक्ट है हमारा वो उसका स्पीड अब इंक्रीज हो रहा है, और आप इसे अगर डिक्रीज करना चाहें तो अपोजिट डायरेक्शन में वापस से आप उसे रोटेट कर सकते हैं, जिससे उसका जो डिले रेट है वो वापस से कम हो जाएगा। इस तरह से आप इसके डिले रेट को पोटेंशियोमीटर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ये था हमारा 6th प्रोजेक्ट। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपने इनकार्ट का किट नहीं खरीदा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वेबसाइट के लिंक को फॉलो करके इनकार्ट के किट को ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट करने के लिए, कंपोनेंट्स को खरीदने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको सारा कंपोनेंट आपके घर पे मिलेगा, और हम इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे।